वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाउंडेशन के बारे में, उसकी क्वांटिटीज के बारे में, उसी के साथ में उसको हम लोग क्वांटिटी सर्वे से कैसे रिलेट करते हैं, उसमें उनकी क्वांटिटी सर्वे करने के बाद उसमें हमारे को जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोज आते रहे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि फाउंडेशन होता क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फाउंडेशन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर्स द सुपर इम्पोज्ड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टू हार्ड स्ट्रेटा। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हम लोग फाउंडेशन प्रिपेयर करते हैं स्ट्रक्चर के लिए, तो हमारा जो सुपर इम्पोज्ड लोड रहता है स्लैब का, बीम्स का, कॉलम्स का, जो कि आपके फाउंडेशन में ट्रांसफर होता है और वो फाउंडेशन जो है नीचे जो उसकी हार्ड स्ट्रेटा रहती है वहां पर उस लोड को ट्रांसफर कर देता है, इसलिए फाउंडेशन को प्रोवाइड किया जाता है स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होते हैं। सबसे पहला होता है आपका शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। यहां हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों शैलो फाउंडेशन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा शैलो फाउंडेशन होता है उसकी जो डेप्थ रहती है उसके विड्थ से कम रहती है। यहां पे हम लोग जो बात करने वाले फाउंडेशन की वो होता है आपका ट्रेपोजॉइडल फुटिंग। ट्रेपोजॉइडल फुटिंग में यहां नीचे में आपका राफ्ट रहता है और ऊपर में यहां जो स्लोपिंग सरफेस होती है इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है आपका ट्रेपोजॉइडल फुटिंग। इसको और अच्छे से देखते हैं चलिए दोस्तों वीडियो के थ्रू। यहां पे हमारे पास एक ट्रेपोजॉइडल फुटिंग है, यहां पे हमारा आरसीसी कॉलम है, आरसीसी कॉलम के बाद ये हमारी स्लोप सरफेस है और यहां नीचे में राफ फाउंडेशन है। राफ फाउंडेशन के नीचे आप जो पीसीसी प्रोवाइड करते हैं, जनरली 4 इंच या 6 इंच के बीच में आप पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। यहां पे हमारा जो राफ्ट का डेप्थ रहेगा उसको हम लोग कैपिटल डी मान रहे हैं। यहां जो वर्टिकल हाइट ऑफ स्लोपिंग सरफेस है, ये जो हाइट की मैं बात कर रहा हूं ये आपकी स्मॉल डी है। ये जो कॉलम का जो बॉटम सरफेस है उसके एरिया की मैं बात करूं तो उसको मैं A1 मान रहा हूं। यहां पे जो हमारे राफ्ट फाउंडेशन का जो टॉप सरफेस है उसको मैं A2 मान रहा हूं। तो यहां पे अगर हम लोग को इस ट्रेपोजॉइडल फुटिंग का वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास यहां फॉर्मूला है जो कि आपका D/3। यहां जो D/3 की बात कर रहा हूं मैं, डेप्थ यहां पे आपका जो स्लोपिंग सरफेस है आप उसको लेंगे। यहां पे जो A1 है आपका, यहां पे अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो D/3 ब्रैकेट A1 प्लस A2 प्लस रूट अंडर A1 इंटू A2 ब्रैकेट क्लोज। यहां से हम लोग ट्रेपोजॉइडल फुटिंग का वॉल्यूम निकालते हैं। A1 हो जाता है आपका एरिया 1 जो कि आपके कॉलम का बॉटम सरफेस है, एरिया 2 जो होता है वो आपके रैप फाउंडेशन का जो टॉप सरफेस है वो एरिया हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे ट्रेपोजॉइडल फुटिंग का। अगर मैं ड्रॉइंग की बात करूं तो ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं कि यहां मेरे पास एक लेआउट ड्राइंग है जहां पे मेरे को फुटिंग की डिटेल्स दी हुई है। सबसे पहले अगर मैं इस ड्राइंग की बात करूं तो ये है आपका लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग्स एंड कॉलम्स। यहां पे आपको जो भी आपकी फुटिंग्स है उनकी पोजीशंस पता चली है। इसी ड्राइंग के हेल्प से आप सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म करते हैं। यहां पे आपके F1 और F2 फुटिंग है जिसकी डायमेंशंस आपको यहां पे दिख रही होंगी। F1 का जो डायमेंशंस है आपका वो 1800 है, F2 का डायमेंशंस आपका 1500 है, और उसके साथ साथ में यहां पर डेप्थ भी दी हुई है D1 और D2। यहां सेक्शन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास राफ्ट फाउंडेशन के लिए जो D1 हाइट है वो राफ्ट के लिए D1 हाइट है, D2 जो आपका स्लोपिंग सरफेस है उसकी हाइट है। तो इस तरह के जो हमारे पास फुटिंग डिटेल्स की ड्राइंग होती है यहां पे हमको पूरी डिटेल्स पता चल जाती है कि हमारे पास जो ट्रेपोजॉइडल फुटिंग करवाना है हमको उसके डायमेंशंस कितने हैं, उसकी डेप्थ कितनी है। उसके साथ साथ में आप राइट साइड में देख पा रहे हैं यहां पे कुछ ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि आपको जो ग्रेड रखना है आरसीसी का वो
M25 रखना है, जो कवर्स प्रोवाइड करने हैं, ये आपका डिजाइन फॉर S1, S+1 स्ट्रक्चर के लिए डिजाइन हुआ है। तो ये सब आपके स्पेसिफिकेशंस हैं ड्राइंग के, यहाँ पे किसके लिए बना है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये सब चीजें ड्राइंग बनाना अगर आपको सीखना होगा तो आप हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में जाके देख सकते हैं कि हम लोग जो लेआउट ड्राइंग बनाते हैं, जितने भी टाइप के स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं वहां पे आप देख पाएंगे। तो यहां पे मैं इस ड्राइंग के हेल्प से यहां पे एक एस्टिमेशन शीट को प्रिपेयर कर लिया, इसी को हम लोग MB फॉर्मेट भी बोल सकते हैं। MB फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली यहां पे मेरे पास एक एस्टिमेशन शीट है जिसमें आपका सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन नंबर ऑफ आइटम्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल और यूनिट्स है। तो यहां पे जो हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, एक साइट क्लीनिंग, एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग, PCC, यहां पे हम लोग जो फुटिंग कॉन्क्रीट करवाने वाले हैं उसके लिए ग्रेड हम लोग ले रहे हैं M25, जिसकी स्पेसिफिकेशन आपको ड्राइंग में दी गई थी। वहां से आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आप कॉन्क्रीट निकालते हैं उसको वॉल्यूम में निकालते हैं, मतलब कि उसका जो यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर में होता है। तो उस ड्राइंग के हेल्प से यहां पे मैंने फुटिंग कॉन्क्रीट F1 और F2 फुटिंग के लिए टोटल निकाल ली, जो कि आ गया आपका 20.996 क्यूबिक मीटर। अब ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो आप एस्टिमेशन में क्वांटिटीज निकालते हैं उसका हेल्प सिर्फ आप BOQ बनाने में कर सकते हैं, उसके साथ साथ में ही जो आपने एस्टिमेशन में क्वांटिटीज निकाली है उन क्वांटिटीज से हेल्प से आप कैसे उसका क्वांटिटी सर्वे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटीज की। तो एस्टिमेशन शीट की हेल्प से आप क्वांटिटी सर्वे कर सकते हैं, जस्ट आपको क्वांटिटी चाहिए। जैसे कि आपको यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट है वो मैंने लिख दिया 20.996 मीटर क्यूब। इसके लिए जो मैंने ग्रेड लिया वो लिया था सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट के लिए जो मिक्स रेशियो जैसे कि ड्राइंग में स्पेसिफाइड था M25 मेंटेन करना था, तो यहां पे उसका रेशियो हो गया 1:1:2, जिसमें 1 है आपका सीमेंट, 1 सैंड और 2 एग्रीगेट। अब इस 20.996 जो वॉल्यूम आपके पास एस्टिमेशन शीट में मिला आपको वो होगा आपका वेट वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे आप जो एक्सेल शीट देख पा रहे हैं यहां पे पूरे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, जो भी आपको वैल्यू चाहिए सब आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। सिर्फ आपको जो यहां पे वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट है उस वैल्यू को चेंज करना है, जो आप ग्रेड यूज कर रहे हैं, जो आप मिक्स चेंज यूज कर रहे हैं उसको चेंज करने की जरूरत है, बाकी काम एक्सेल शीट निकाल के देगा आपको। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो सिविल गुरुजी में आप लोगों को जो हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स है उसमें हार्ड वर्क तो सिखाया ही जाएगा, उसके साथ साथ में ही हम लोग उस चीज को स्मार्ट वर्क के थ्रू कैसे अचीव करेंगे वो सब चीजें भी आपको सीखने को मिलेगी। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो 20.996 मीटर क्यूब का वॉल्यूम आया कॉन्क्रीट का, उसके लिए मेरे पास सीमेंट की क्वांटिटी आ गई 233 बैग्स, जो कि आपका जो मार्केट रेट होगा वो रेट के अकॉर्डिंगली आप उसका रेट एनालिसिस भी कर सकते हैं। वैसे ही सैंड जो कि है हम लोग क्यूबिक फीट में ही निकालते हैं, क्यूबिक फीट में आ गया आपका 285.43 क्यूबिक फीट सैंड, एग्रीगेट आ गया 570.85 क्यूबिक फीट। यहां से हमको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की पता चल गया। इस चीज से मेरे को क्या पता चलता है, क्योंकि मेरे को यह जानना बहुत जरूरी है अगर मैं फुटिंग करा रहा हूं तो मेरे को कितने मटेरियल्स लगेंगे उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी मेरे को पता होनी चाहिए, इसीलिए ही हम क्वांटिटी सर्वे करते हैं। इसलिए सबसे पहले एक क्वांटिटी सर्वेयर को एस्टिमेशन का पार्ट और BBS का पार्ट, उसके साथ साथ में ही आपको जो बिलिंग रिपेयर करनी होती है उसको बहुत जरूरी है आना। ये सब चीजें क्वांटिटी सर्वे निकालने के लिए आपको सिर्फ जो एस्टिमेशन में आपके पास जो क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज का हेल्प लेके आपको उसका क्वांटिटी सर्वे करना है, जहां से आप लोगों को एग्जैक्ट क्वांटिटी में आपका सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी आप निकाल पाएंगे। यहां पे अगर मैं रेट एनालिसिस की बात करूं तो रेट एनालिसिस में आपका मेसन, लेबर, बिस्ती जो वर्क करेंगे उस पे उनके वर्किंग इफिशियंसी के अकॉर्डिंगली भी हम उनकी क्वांटिटी निकाल लेंगे कि एक मेसन को 20.996 मीटर क्यूब का अगर काम करना होगा तो उसको कितने डेज लगेंगे। उस डेज के अकॉर्डिंगली अगर मैं उसका रेट डिसाइड कर लेता हूं तो मेरे को उसका अमाउंट मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग यहां पे उसका रेट एनालिसिस भी प्रिपेयर करते हैं। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो रिजल्ट्स में आपका जो सीमेंट आया वो 233 बैग्स आया, सैंड आया आपका 285.43 क्यूबिक फीट, एग्रीगेट आया आपका 570.85 क्यूबिक फीट।
यहां पे मैंने सिर्फ एस्टिमेशन शीट की हेल्प से उसका क्वांटिटी सर्वे किया। तो इस तरह की चीजें अगर आपको सीखनी है तो जस्ट आपको विजिट करना है www.sivilguruji.com पे, और फर्दर डिटेल्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपके लिए और भी इसी के ऊपर वीडियोस लाते रहूंगा, उसके लिए आप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।